आपके साथ में एक एफआईआर की ये इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनकी लिस्ट है उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर तो उनके ऊपर बहुत है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं? उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं, हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, और वो बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछे 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे, अगर हम टोटल टाइम निकाले तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, वापस से जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ, उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से निकाल, सोर्सेज के सारे उनको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन, हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही, उसके बिहाफ पे तो एफआईआर होना चाहिए था। देखिए उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है, उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। अरे भैया बैठ जाओ यार, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है, तो सबसे पहले तो ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सही कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। और तीन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप, तीन ऐसी कौन सी मांगे हैं आपकी जो कि जिसके बाद आप प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हो सकते हैं? सबसे जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए, ये सारी चीजें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं ले वाले। देखिए बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर मैंने पहले बताया कि ये पीछे जो लगा हुआ है जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा से उन पर भी ध्यान देगी, इनको भी दोबारा निकलवाना चाहिए और इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो ये अभी लगी है, जो अभी हम वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी एफआईआर करती है, कैसी धाराएं लगाती है, क्योंकि पुलिस में हमें अभी भी एतबार नहीं है, कि हम पहले बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब वो एफआईआर की तरफ गए हैं। तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन, मजदूर है, खाप पंचायतें हैं, हमारे कोचेज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अब ये साक्षी बजरंग दलेश का डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। सरकार से बातचीत करेंगे कि नहीं? सरकार से बातचीत करेंगे कि नहीं?
अगर बुलाएगी बातचीत करने के लिए तो करेंगे। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं।